1294 में आज के दिन स्विट्जरलैंड के बर्न प्रांत से यहूदियों को बाहर निकाला गया था। 1876 में आज के दिन सर्बिया ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज के दिन 1994 में लंदन में टॉवर ब्रिज को खोला गया था। 1911 में आज के दिन भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का जन्म हुआ था। नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि थे। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनकी ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाज के लिए 1969 में सम्मानित किया गया था। 1914 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 1917 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ था। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। वह दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद तथा विचारक भी थे। 1933 में आज के दिन फांसीवाद के खिलाफ एंटवर्प में 50,000 लोगों ने प्रदर्शन किया था। 1934 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव का जन्म हुआ था। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव एक रसायनज्ञ थे। डॉक्टर राव को दुनिया भर के 60 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त है। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण और 2013 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चंद्रशेखर वेंकट रामन और अब्दुल कलाम के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वे तीसरे वैज्ञानिक हैं। 1937 में आज के दिन दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर 999 लंदन में जारी किया गया था। 1938 में आज के दिन बच्चों का पसंदीदा कार्टून सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स में नजर आया था। 1960 में आज के दिन अमेरिका ने क्यूबा से चीनी का आयात बंद करने का निर्णय लिया था। 1966 में आज के दिन अमेरिका में बॉक्सर और एक्टर माइक टायसन का जन्म हुआ था। 1966 में आज के दिन अमेरिका का पहला महिला संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन का गठन हुआ था। आज के दिन 1999 में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री तथा नेशनल पार्टी के नेता टिम फिशर का इस्तीफा हुआ था। साल 2003 में आज के दिन 4 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी अभिनेत्री कैथरीन हेपबर्न का निधन हुआ था। साल 2005 में आज के दिन स्पेन में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। साल 2012 में मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने थे।